तो फाइनली गाइज मेरा 2 लाख रुपए का लोन अनलॉक हो चुका है क्रेडिट बी के अंदर। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर मुझे बोलते हैं कि भाई कैसे अनलॉक कर सकते हैं हम क्रेडिट बी का एक बड़ा लोन, यानी कैसे ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का लोन घर बैठे केवल 30 सेकंड में अपने बैंक अकाउंट में। गाइज अगर आप एक नए कस्टमर है, आपको अभी तक नहीं पता क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में, तो आपको मैं बता दूँ ये एप्लीकेशन आपको घर बैठे 2 लाख रुपये तक का लोन दे सकती है केवल 30 सेकंड में आपके बैंक अकाउंट में केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड पर। जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करते हैं लोन कैडबी एप्लीकेशन के अंदर, या फिर अगर आपकी अभी तक आपकी लोन अमाउंट जो है इंक्रीज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, मैं आपको यहां पर एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप 2 लाख रुपए का लोन भी अनलॉक कर सकते हैं और घर बैठे उसको ले सकते हैं। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हैं लोन, आपने इस वीडियो को लाइक करना होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चला जाना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइज देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं क्रेडिटबी की 2 लाख रुपये तक की लोन लिमिट को। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने क्रेडिट बी से लोन ले रखा है, अभी तक आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज नहीं हुई है, बढ़ नहीं रही है, तो ये वीडियो आप पूरा देख लें क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप एक बड़ा लोन यहाँ पर ले सकते हैं, यानी 2 लाख रुपए तक का लोन आपका अनलॉक हो सकता है। मेरा 2 लाख रुपये का लोन अनलॉक हो चुका है, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप एक नए कस्टमर हैं, आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, अगर आपके पास पहले से, तो आपने इसको ओपन करना होगा। ये जो एप्लीकेशन है गाइज 4.0 रेटिंग के साथ कंपनी आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भाई 10 मिलियन ज़्यादा डाउनलोड की जा चुकी है ये वाली एप्लीकेशन। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ कंपनी के बारे में, तो गाइस कंपनी आपको यहाँ पर बोलती है कि भाई हम आपको यहाँ पर जो है 1000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का लोन दे देंगे, और ये लोन मिल सकता है आपको 15 महीने तक के लिए। अगर आप यहाँ पर लेते हैं लोन, तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर लेते हैं 50,000 रुपये का लोन 20% पर एनएम के इंटरेस्ट पर, तो गाइज आपको ये लोन मिलेगा 12 महीने के लिए, और आपकी ईएमआई होगी यहाँ पर 4632 रुपये। लोन लेने के लिए गाइज आपको यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और आपने इसको ओपन कर लेना होगा। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगी, इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। सबसे पहले गाइज आपको इस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। मैंने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अगर आपने पहले से यहाँ पर लोन ले रखा है तो आप किस तरीके से अपने लोन अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 60,000 रुपये का लोन ले रखा है पहले ही, और मैंने यहाँ पर लोन अमाउंट अपनी अनलॉक कर ली है पूरे 2 लाख रुपये तक की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो 2 लाख रुपये का लोन है मेरा अनलॉक है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से अनलॉक है। ये लोन मुझे मिल रहा है 12 महीने के लिए, और गेट नो पर क्लिक करने के बाद मैं ये लोन ले सकता हूँ। 60,000 रुपये का लोन ही मेरा यहाँ पर अनलॉक है। ये लोन गाइस ऑनलाइन परचेज लोन है, यानी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए इस लोन को ले सकता हूँ। 30,000 रुपये का फ्लेक्सी लोन है, ये भी मैं ले सकता हूँ गेट लोन पर क्लिक करने के बाद में। आप अपनी लोन अमाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप एक नए कस्टमर है, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। इंस्टेंटली आपको यहाँ पर लोन की लिमिट मिलेगी, जितनी लिमिट आपको मिले उतने लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी लोन अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस आपको यहां पर जो नीचे दिखाई दे रहा है डिस्कवर योर क्रेडिट एंड प्राइसिंग, यानी आपको यहां पर अप्लाई नो पर क्लिक करना होगा अपनी लोन अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए। जब आप ये सब कुछ कर देंगे, अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे, जब आप अप्लाई नो पर क्लिक करने के बाद पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी थोड़ी और, क्योंकि देखिए जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपकी थोड़ी डिटेल यहाँ पर दी जाती है, उसके बाद आपसे और ज़्यादा डिटेल मांगते हैं बड़ा लोन अनलॉक करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इनकम भी वेरीफिकेशन करनी होगी, यानी अपनी इनकम को भी वेरीफाई करना होगा अपनी लोन अमाउंट को बढ़ाने के लिए। एक और काम आपको यहाँ पर करना होगा, सेटअप करना होगा नैक को, यानी नैक ऑटो डेबिट करना होगा आपको, ताकि आपकी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटती चली जाए। जो चौथा है स्टेप, वो आपको जो पूरा करना है असिस्ट वैलिडेशन, आपको यहाँ पर करना होगा। अगर आप ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 100% 2 लाख रुपये का लोन अनलॉक हो जाएगा। मैं आपको पहले यहाँ पर दिखाता हूँ बेसिक डिटेल में जाकर मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। सबसे नीचे आप अगर देखेंगे यहाँ पर मैंने अपने जीमेल अकाउंट को यहाँ पर जो है कंप्लीट कर दिया है, आपको भी यहाँ पर यही करना होगा। और जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद जो है आपके लोन अमाउंट इंक्रीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। अपने वॉलेट की डिटेल भी यहाँ पर दे सकते हैं, शॉपिंग डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे बेसिक डिटेल, उसके बाद गाइज आपको जो है इनकम वेरीफिकेशन करनी होगी, यानी आपको यहाँ पर जो है अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा। देख सकते हैं सबसे नीचे आप यहाँ पर मैंने अपनी इनकम को वेरीफाई कर रखा है, ठीक है, मैंने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर रखा है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा गाइज, अगर आप
2 लाख का लोन लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर फॉर्म 16 भी अपलोड कर सकते हैं, ITR अपलोड कर सकते हैं, सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं, अगर आप एक सैलरीड हैं अपनी इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद में, ठीक है। तो मैंने जो है ये कंप्लीट कर लिया है अपना दूसरा स्टेप भी, और जो तीसरा स्टेप है इसका सेटअप नेक ऑटो डेबिट है, आपको ये भी कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर ही बोले कि भाई आपने ये कंप्लीट कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइंग योर डिटेल, यानी मैंने यहाँ पर ही कंप्लीट कर दिया, 48 घंटे का टाइम उन्होंने मुझे दिया है, 48 घंटे में जो है मेरा ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट करना होगा गाइस, जब आप यहाँ पर ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर चौथा स्टेप भी कंप्लीट करना होगा। नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन को भी वेरीफाई कर लिया, यानी आपको यहाँ पर अपनी व्हीकल की डिटेल भी दे देनी है, अगर आपके पास GST है तो GST भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है आपके पास, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, तो भी आप यहाँ पर अपलोड करने के बाद उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको यहां पर ये चारों स्टेप कंप्लीट करने हैं, चारों में से आप कोई भी एक एक यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहां पर ये जब सारे कंप्लीट कर लिए थे, सारे कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, जब आप ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस तरह का पेज यहां पर दिखाई देगा। आप यहां पर देख सकते हैं मेरा ये 2 लाख रुपए का लोन अनलॉक हो चुका है, 60,000 रुपए का लोन भी अनलॉक हो चुका है, 30,000 रुपए का फ्लेक्सी लोन भी अनलॉक हो चुका है। अब ये चारों लोन अलग अलग है, ये जो 60,000 रुपए का लोन है गाइस ये केवल आप शॉपिंग करने के लिए ले सकते हैं, ये लोन मैंने ले भी रखा है। अगर मैं आपको रीपेमेंट में जाकर दिखाऊं तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं जो 60,000 रुपए का लोन है मेरा यहां पर एक्टिव है, मैंने इसको ले रखा है, देख सकते हैं 60,000 रुपए का लोन ये एक्टिव है, 11,233 रुपए की फर्स्ट इंस्टॉल है, जो सारी इंस्टॉलमेंट इसके बाद 10,348 रुपए की है, ठीक है। तो मैंने यहां पर 10,000 रुपए का लोन भी ले लिया है गाइस, ठीक है, और ये लोन मुझे मिल भी चुका है, आपने देखा यहां पर 2 लाख का लोन मैं ले लूंगा तब मैं इसका रीपेमेंट कर दूंगा, पिछला जो लोन है मेरा जब मैं इसका रीपेमेंट कर दूंगा। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, देख सकते हैं आपका लोन एक्टिव है, अभी आप 2 लाख का लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले आपको पिछला लोन का रीपेमेंट करना होगा तब आपको ये लोन मिलेगा। तो गाइस जो मैंने आपको यहां पर बताया, अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो गाइस आपकी लिमिट जो है पक्का बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक उसको क्रेडिटबी को ऐसा लगेगा कि भाई वाकई जो बंदा है ना ये इसके पास जो है सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट्स है और ये लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर थोड़े ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि क्रेडिटबी जो है आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन देता है, आप सभी को पता है भाई कोई भी कंपनी उसको और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो मांगती है ना, वो जब बड़ा लोन देती है तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अपने अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा, बड़ा लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने लोन अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं क्रेडिटबी के अंदर, तो आप जो है ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लीजिए, चारों में से एक एक स्टेप कंप्लीट कर लीजिए और आपको यहाँ पर जो है 100% लोन मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये थी वीडियो क्रेडिटबी पर, कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर पुराने कस्टमर तो अपनी लोन अमाउंट को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले भी जितना ये वीडियो बहुत बना, थैंक यू सो मच।